हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैकत और आप देख रहे हो डेंजर गेमिंग। आई होप आप भैया होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ डेंजर गेमिंग का और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज किस मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट डायमंड रॉयल कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा होने वाला है, इसके बाद दोस्तों दिखा दूंगा नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा होने वाला है। तो आप सोच सकते हो वीडियो कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। आई होप दोस्तों आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे और सब कुछ समझ के जाओगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपको लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे आए हो जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा दो और पांच वाले बेल आइकन को जरूर से ऑल पे सेट कर दो। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ गेम के अंदर एक इवेंट आया है, आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है एक डायमंड रॉयल, एक वेपन रॉयल और एक हमारा इंक्यूबेटर वाउचर। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त के बीच में हम लोगों को दोस्तों 10 गेम खेलना है। तो कौन सा मोड खेलना है दोस्तों, देख सकते हो न्यू हमारा जो 1v1 जो मोड आया है इसको दोस्तों आपको 10 बार खेलना है। तो हम लोग को दोस्तों जो 3 वाउचर है, एक डायमंड रॉयल, एक वेपन रॉयल और दोस्तों ये जो हमारा इंक्यूबेटर वाउचर है हम लोग को इजिली क्लेम करने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं पॉसिबली हमारा डायमंड रॉयल, मतलब दोस्तों 90% बोल सकते हो, 90% चांस है ये वाला होने वाला है हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल। आपके सामने है बोल सकते हो पुराना जमाने का जो क्या बोलते आदिवासी टाइप का बंडल है, फिर भी दोस्तों ये 90% चांस है क्योंकि आपको पता है गायने वाला जो है इंडिया जो सर्वर है इनके साथ छेड़खानी करता रहता है, कभी कभी चेंज कर देता है। अगर दोस्तों चेंज ना होता है तो ये वाला होने वाला है हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है। तो आपके सामने है, आप बताओ आपको डायमंड रॉयल कैसा लगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा होने वाला है। आपको पता होगा दोस्तों आज ही हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर आने वाला है। दोस्तों देख सकते हो दो इंक्यूबेटर निकल कर आ रहा है, जो मेरा पुराना व्यूअर्स है उनको पता होगा दोनों इंक्यूबेटर मैंने उनको दिखा दिया था। तो सबसे पहले आने वाला है दोस्तों देख सकते हो जो हमारा MP5 इंक्यूबेटर, तो ये वाला होने वाला है, मतलब ये वाला आने का चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हमारा चल रहा है अभी ड्रेसेस का, इसके बाद दोस्तों ये गन का आने का चांस है। तो ये होने वाला है हमारा MP5 का क्या बोलते इंक्यूबेटर आ सकता है आज रात को ही। अगर दोस्तों ये इंक्यूबेटर ना आता है जो ड्रेस वाला इंक्यूबेटर है वो भी आ सकता है। तो अभी आपको आप मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हो जो हमारा MP5 का गन स्किन का इंक्यूबेटर है और ये वाला जो येलो वाला हो सकता है देख सकते हो ये वाला होने वाला है टॉप का स्किन। तो ये वाला इंक्यूबेटर आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, देखते हैं आज रात 12 बजे हमारे सर्वर में कौन सा आता है। दोस्तों लगभग मैं जितना सियोरिटी होकर बोल सकते हो गन स्किन का आने का चांस बहुत ज्यादा है, अब नहीं भी आ सकता है क्योंकि आपको पता है ये वो गन एक्सटेमेट आ चुका है, तो इस बार टेस्ट भी दे सकता है ये गायने वाले ऊपर दोस्तों डिपेंडेंट है। तो आपके सामने मैं MP5 का इंक्यूबेटर दिखा दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो ड्रेसेस का इंक्यूबेटर निकाल के आ रहा है, जो पुराना व्यूअर्स है उनको दिखा दिया था, फिर दोस्तों मैं अभी जल्दी जल्दी में आपको वो जो ड्रेसेस का इंक्यूबेटर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हो हमारा जो ड्रेसेस का इंक्यूबेटर ये भी आ सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा था जब हमारा एक्सटेमेट अभी चल रहा है गन स्किन, तो अभी वेपन रॉयल में गन स्किन मतलब सॉरी दोस्तों हमारा जो इंक्यूबेटर में गन स्किन ना देके ये वाला ड्रेसेस का भी इंक्यूबेटर दे सकता है। तो आज रात 12 बजे दोस्तों आपको पता चलेगा कौन सा इंक्यूबेटर आने वाला है। और दोस्तों आप इंक्यूबेटर से ये जो बंडल है निकलने वाले हो क्या, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना। तो मेरे को तो काफी ओपी लगा है, मतलब इसका जो ड्रेस है लगभग अच्छा है, मतलब यूनिक टाइप का है, इस टाइप का इंक्यूबेटर पहले नहीं आया था। इसका जो मुंह का मास्क है ये मेरे को काफी ओपी लगा। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट करके आपको ये वाला ड्रेसेस का इंक्यूबेटर कैसे लगा और दोस्तों आप निकलने वाले हो या नहीं। तो मैं तो दोस्तों निकलने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर दोस्तों मेरे को पसंद करते हो, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों सेकंड चैनल में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, सभी का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम और सेकंड यूट्यूब चैनल में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट वेपन रॉयल होने का बहुत ज्यादा चांस है ये वाला ग्रोजा का स्किन। हाँ दोस्तों बहुत दिन बाद ग्रोजा का हमारा वेपन रॉयल में स्किन आ सकता है, 90% बोल सकते हो, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ हमारे इंडिया सर्वर में ये लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो इसका जो दोस्तों एट्रीब्यूट है आपके सामने है, इसका होने वाला दोस्तों सिंगल एक्यूरेसी, डबल आर्मर पेनिट्रेशन और दोस्तों रिलोड स्पीड माइनस। तो ये वाला आपको ग्रोजा का स्किन कैसे लगा कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से बताना क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और चैनल पे नए हो जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे सेट कर दो। दोस्तों ये वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऑनियन पे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते देखते रहने देंगे वीडियो। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हो जाता है अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।